क्या नाम है आपका? जी राशिदा। राशिदा जी कहाँ रहती हैं? जी अभी तो यही दिल्ली में हूँ। दिल्ली में रहने वाले कहाँ के? मैं मणिपुर इम्फाल से हूँ। क्या बोलेंगे, मणिपुर से आप आती हैं, नॉर्थ ईस्ट पूरा ही सुदूर प्रदेश पड़ता है भारत का। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि जो मोदी जी हैं वो मानसिक रूप से टूट चुके हैं, और जिस तरीके से वो बोलते थे 56 इंच का छाती है, इस इलेक्शन के बाद उनकी छाती 30 इंच 32 इंच की हो गई है। इतना डर चुके जो डर दिखाते थे, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी से डरना बंद कर दिया देश के अंदर, क्या बोलेंगे? देखिए मैं नहीं जानती कि राहुल गांधी क्या बोलते, उनकी मुंह की बात मैं नहीं अपने जबान में नहीं डाल रही, ठीक है? वो उनकी सोच है, वो कुछ भी बोले, पर हमारा कहना ये है कि यार वो बुजुर्ग हैं, उन्हें हट जाना चाहिए। जब जवान लड़कों के लिए 3 साल की अग्निवीर आ चुकी है, तो ये 75 इयर्स के होके यहाँ क्या करें? शायद उससे भी ज्यादा होंगे, शायद उससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि बहकी बहकी बातें करते हैं। कभी इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, क्या बहकी बातें कर रहे हैं? कभी मंगलसूत्र पे बात करते हैं। आप ये बताएं, जिस जो अपना खुद शादीशुदा होके बुजुर्ग बीवी को नहीं चले जवानी में छोड़ा, गलती लोग दोहरा लेते हैं कि बुढ़ी हो गई है, थोड़ी उनकी केयर करें। बुढ़ापे में तो उनको पूछने जाते नहीं किस गलियों में छोड़ कर आ गए। और हर घर में अपना भाई, हमारी हिंदू बहनों जो है, हमारी बहन जो है, उनकी मंगलसूत्र का आपने बोला बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इतनी उम्र हो चुकी है, ये बहकी बात ही तो है ना। राहुल गांधी मतलब सही कह रहे कि मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर हो गए हैं मोदी, लग रहा है राहुल गांधी को, लग रहा है तो हम गलत नहीं बोल सकते, शायद उनको लग रहा है। हाँ, वो जो बोले 56 इंच की छाती 30-32 इंच, हाँ 56 इंच की, भाई मणिपुर बाढ़ में डूबा हुआ था, कितने बार गए यहाँ मोदी जी देखने, कितने बार गए, इटली गए थे वो, और बाढ़ में डूबे, प्याज आलू के लिए लोग छत से तरस रहे थे, 4 ताले पर सब लटके हुए थे, ठीक है, 4 ताले पर लटके हुए थे लोग, की कोई आलू दे दे, कोई प्याज दे दे, कोई आटा दे दे, कोई चावल दे दे, 20 दिन चूचा है मणिपुर बाढ़ से। क्या बोलेंगे सर ये जो मैम ने बोला? सर बिल्कुल गलत है, राहुल जी की स्टेटमेंट ही गलत है। कैसे अभी भी आपका ही सीना कम हो सकता है क्या सर? अभी भी है, और वो जो 232 सीटें लाए हैं वो अपने दम पे लाए हैं, मोदी जी का फेस 240 जो सीट आई है वो अपने दम पे लाए, उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया है, कि ना हिंदुत्व को किया, ना राम मंदिर को टारगेट किया है, कि राम मंदिर का कोई झूठे वादे नहीं किया है, जो किया है वो सही बोला है। राहुल जी ने इतने सारी जो आप खटाखट के लिए आप देख लो ना, इनकी ही बहने दरवाजा खटखटा रही है, वो 8500 रुपए के लिए और 1 लाख रुपए के लिए कोई नहीं, ताला बंद पड़ा है सर, मिले ही नहीं है, मिलेगी नहीं, 99 सीट लेने के बावजूद भी ये स्टेटमेंट आया उन लोगों का। जो 242 सीट दे रहा है बंदा, वो इतना कुछ पूरा हिंदुस्तान संभाल रहा है सर, आइडियोलॉजी बाहर देखिए ना, और 99 सीट लाने के बाद अगर हमारे राहुल जी ऐसा बोल रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए। जो मैम ने बोला कि मोदी जी जो उम्र हो गई है, थोड़ी सी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, और उनके जो धर्मपत्नी जो पूर्व रह चुके हैं उन पे सवाल उठा दिए इन्होंने, क्या लगता है परिवार? सर मोदी जी के बाद हमारे योगी जी है ना, उम्र वाले बिल्कुल एकदम जवान लड़के, जैसे राहुल जी है जवान लड़के हैं, बीबी 16 साल के है ना, हमारे योगी जी है ना, और चाहेंगे योगी जी आ जाए। जिसने बीबी नहीं रखा, जिसने बच्चा नहीं पाला, वो किसी और का दर्द नहीं समझ सकता, देश का दर्द नहीं समझ सकता। योगी के दिल में दर्द होता तो बुलडोजर ना चलाते, बुलडोजर ना चलाते, कब्जे करते जाइए, बुलडोजर ना चले। ये क्या बोले, जिसने बीवी नहीं संभाला, जिसने बच्चे नहीं संभाले, वो सर एक चीज, मेरी मम्मी एक चीज कहती थी कि छोटा बच्चा जो होता है ना, 2 साल की उम्र में 3 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, चाचा को मामा, मामा को चाचा, पापा भी कह देता है, लेकिन क्या बोलना है पूरी जिंदगी लग जाती है। मैडम को देख के मेरे को वो ये अनुभूति हो रही है कि क्या बोल रही है, इनको यही नहीं पता, उम्र ज्यादा मुझसे बिल्कुल है, लेकिन क्या बोलना है वो नहीं समझ में आ रहा। अब जो इन्होंने बोला कि बीवी जो संभाल नहीं सका वो क्या देश संभाले, तो मैं मैडम से पूछूंगा, संदेश खाली मणिपुर नहीं है, मैं कह रहा हूँ मणिपुर की नहीं है, मेरी बिजनेस है, मेरा घर है, मंत्री रहने दीजिए। देखिए सुनिए, आप इन्होंने कहा कि मणिपुर की बात कर रही हैं, ये गृह मंत्री जी कितने दिन कैंप किए, गृह मंत्री जी ने कितने दिन वहां कार्य किया, गृह मंत्री जी ने कितनी बैठकें की मणिपुर में ही रह करके, ठीक है, उसके बाद संदेश खाली पे मैडम के मुख से एक शब्द नहीं निकला। बेंगलोर में एक जो कांग्रेस पार्षद की पुत्री के साथ हुआ उस पे एक शब्द, मैं प्लीज मैंने आपकी सुनी, उस पे कुछ नहीं मिला, उस पे एक शब्द नहीं निकला। उत्तर प्रदेश में बदायूं में दो जो निर्मम बच्चों की हत्या हुई उस पे एक शब्द नहीं निकला, रियासी पे नहीं निकलेगा जो अभी रियासी में हुआ देवी के, उस पे एक शब्द नहीं निकला। उसके बाद आप एक चीज बताइए, PFI पे इनका एक वर्ड नहीं निकलेगा, सुन लीजिए, और तो अभी बिल्डोजर की बात की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप अवैध कब्जे करते जाइए तो उसपे बिल्डोजर नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का हंटर नहीं चलेगा। ये मैम, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया कि अवैध कब्जा है, बुलडोजर चलना चाहिए, नदी के जमीन पे घर बना दिया तो उसपे सही नहीं मानते, इनका गवर्नमेंट है, ये झूठ को भी सच बना देंगे भाई, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ को सच बना देंगे, कुछ नहीं, ये 60 साल तक ये यही करते रहे, अभी ये चिल्ला कैसे रहे हैं, इनको एक पीछे क्या बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि जमीन इनकी सरकार है, किसी झूठ को भी सच बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। मैडम देखिए, मैं मैडम से यही आशा
करता था और यही जवाब दिया, बिल्कुल सटीक जवाब दिया इनके जवाब का। मैं कहता हूँ, अब सुनिए, ये कहते हैं कि जिनके बच्चे नहीं हो क्या समझे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उन्होंने अपने लिए चालू करी थी क्या? सबसे ज्यादा सर मैंने बोला माइनॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में पढ़ाया है, कल्याणम फुरेजी के अंदर सारे बच्चे थे मुस्लिम बच्चे और सीए चल रहा था और वो बच्चे सीए का प्रोटेस्ट जाते थे, हमें ऊपर से ऑर्डर था कि इनको कुछ मत कहना। और ठीक है, प्रूफ दिखा दूं, सालों में देश चला नहीं है क्या मैम? आप ये बता दिए यार, बोल तो रहे हैं कि 50 एम्स बना दिए हैं और हम आज भी उसी एम्स में आते हैं, दिल्ली वाले एम्स। कोई एम्स बना हुआ है? अरे रानी एम्स से बना है ना, वो जापान से एम्स बना है, मतलब बना नहीं है देश के अंदर 50 एम्स नहीं बने, एक भी ढंग का एम्स बताओ भाई। आप न्यूज नेशनल का काम करते हो, आज आप क्या बोलेंगे सर? बोल रहे हैं जो अपनी पत्नी संभाल नहीं सके वो देश क्या संभालेंगे, बच्चे संभाल क्यों? पत्नी पालेगा वही देश चलाएगा, उसके लिए वो खुद कह दिया कि देश हमारे लिए सब है, हमारा परिवार है, अब इससे बड़ा क्या चाहिए? वो अपने देश के लिए जी रहा है, उसके लिए ये सन्यासी, आपको पता नहीं सन्यासी क्या चीज होता है? सन्यासी के बारे में आपको पता नहीं? वो देश मानता है, सर्वप्रथम देश समाज सबको अपना संतान मानता है, उसको बोलता है सन्यासी। किसी ने अपनी पत्नी नहीं, दूसरी बात ये बोला ना जो उमर उमर तो बैकी, फिर बैकी बात कर रहे हैं। बैकी बैकी बात, नीतीश कुमार को जो कहता प्रधानमंत्री बना दो, नीतीश कुमार की बयान सुना नहीं था पहले, उसको प्रधानमंत्री बना रहे। और दूसरी तीसरी बात, नेता चुना गया है ना कि खुद प्रधानमंत्री अपने आप बना है, इस बात को पहले ध्यान रखें कि नेता खुद नहीं बने, इनको प्रधानमंत्री सब जानता है। बात ये कहना सरकार है जैसे मर्जी कर ले, वकील इनके करोड़ों करोड़ की वकील सुप्रीम कोर्ट में लगते हैं, वकील नहीं इसकी है, कपिल सिब्बल किसका है, मनु सुनिए। अब मैं जब बोल के जा रहा हूँ, सिर्फ एक मानसिकता बिल्कुल क्लियर है, 532 घर लेने के बाद रामपुर में जहाँ पर 1% वोट ना पड़े, आप उससे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। अब आपके लिए लैपटॉप कहा था, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप, ये कहने वाले कौन? मोदी जी, तब भी वोट नहीं मिला। आपको 80 करोड़ लोगों में इन्होंने ये तो नहीं देखा कि ये मुस्लिम है इसको राशन दो? आवास योजना मैंने खुद वीडियो देखी, आवास योजना में घर मिले उसके बाद वो कहते कि आप वोट किसे देंगे? जो मेरे मर्द कहेगा मैं तो उसको वोट दूंगी। आप यंगस्टर से पूछिए, यंगस्टर भी यही कहते हैं कि मोदी को छोड़कर कोई भी आ जाए। आप क्या से बात करते हैं? इतने जो योजनाएं बनी, इतना जो कुछ हुआ देश के अंदर 10 सालों में, क्या मुस्लिम समाज को इससे फायदा नहीं मिला? उनको जवाब दूंगी, मुसलमानों को थोड़ा तमीज से देखना आप लोग शुरू कर दीजिए सबसे पहले, क्योंकि हम भी इसी देश के हैं। मुल्ला तो चार शादी तो कितने बच्चे, ऐसी अल्फाज में आपके घर में बच्चे नहीं है क्या? आपने बोला कि शादी नहीं, क्या मोदी छोड़ दिया? प्रधानमंत्री है देश का, आप उसके उसको गाली दे रहे हैं कि लड़की औरत नहीं पाल रहा है, औरत नहीं है। प्रधानमंत्री है तो तीन लड़कियों को लंगा किया गया तो फांसी क्यों नहीं दिया उसने उसको? क्या बोलेंगे संदेश खाली में? हजारों लड़कियों के साथ किया और वो विक्ट्री का साइन दिखा के आया है। सिलेक्टिव होना कहीं भी गलत है मैम, सिलेक्टिव मत होना कहीं भी। इनको दिक्कत ये है, इनको चाहिए हम 5 हमारे 75 सबके हाथ में ईंट और पत्थर, जीते जी भी 4 चाहिए और मरने के बाद 72। मोदी के कितने भाई बहन है? मोदी के कितने भाई बहन? बात कीजिए, कितने भाई बहन है? अपनी बात। राहुल जी ने क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में? प्रेस कॉन्फ्रेंस में 56 इंच का सीना लेकर 56 इंच के सीने से वो 32-22 हाँ 30 कह रहे हैं। देखो जी, हम तो एक बात जानते हैं, जब हमारा संतुलन बिगड़ता है ना तभी हम ठिकाने लगाते हैं सभी भ्रष्टाचारियों को और सभी सरकारों को और सभी गुंडागर्दियों को। अब कहते हैं ना, गदर में एक डायलॉग बोला था, हाथ जोड़ के बेटी विदा कर दो, इसी में सबकी भलाई है, वरना ये जड़ बिगड़ गया सैकड़ों के लिए मरेगा। तो मोदी जी का दिमाग बिगड़ गया, वो कर देंगे जो करना है। अब देखो सुनिए।